मेरा अमरीश कोई काम करने जाए और वो काम ना हो ऐसे तो हो ही नहीं सकता। बोल ना बेटा, मिलना तो बात हुई ना उससे। नहीं मिला ना, कुछ नहीं पता चला धवल का। ओ गॉड, धवल यहाँ है? हे भगवान, की हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को ले जाने की? मैं, अरे भाई मोर्स, ध्यान रखना बेटा। एक्सक्यूज मी, मैं अमरीश मकवाना, धवल मकवाना का बड़ा भाई। ये उसके जमानत के पेपर्स हैं, अब एक बच्चा कर लीजिए, उसकी बेल हो गई है। आपको शर्म नहीं आती? आप अपने भाई की ऐसी हरकतों में उसका साथ दे रहे हैं। देखिए, गलतफहमी थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ, धवल ने बताया होगा आपको। हाँ, बताया ना उसने। उसने बताया कि आपके घर में औरतें सिर्फ और सिर्फ एक कमोडिटी हैं, जो घर का काम करती हैं और घर को संभालती हैं। यही परवरिश दी है ना आपने उसे? देखिए, वो बस, वो बस क्या, ये सब आपकी गलतियों का नतीजा है। खैर छोड़ो, पैसे वाले हो, ले जाओ छुड़ा के। शक्ति जी, इन्हें धवल मकवाना के पास ले जाओ। थैंक यू मैम। नहीं चाहिए आपकी ये खैरात, मैं यही ठीक हूं, जाइए आप यहां से। धवल, तेरी हर सजा मुझे मंजूर है, बस तू एक बार घर तो चल प्लीज। धवल, मैंने कहा ना चाहिए, मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, प्लीज जाइए, प्लीज जाइए, प्लीज प्लीज। मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, प्लीज हो, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, प्लीज जाइए, प्लीज। अब अमरीश भैया धवल का है? नताशा धवल नहीं आया, उससे मुझसे कोई मदद नहीं चाहिए, मेरी शक्ल भी वो देखना नहीं चाहता। बेल के पेपर्स उसने फाड़ के फेंक दिए। नताशा प्लीज, मेरे भाई को बाहर निकाल लो। सिर्फ तुम उसे बाहर निकाल सकती, मैं उसे इस हालत में नहीं देख सकता। नताशा प्लीज, उसे बाहर निकाल लो। उठिए, संभालिए अपने आप को, मैं धवल को लेकर आती हूँ। धवल, आई नो, उसके धोखे की वजह से तुम्हारा दिल बैठ गया, पर इसका मतलब तो ये नहीं है ना तुम जेल में अपने आप को ऐसे बंद कर लोगे। It's not a solution. कम से कम एक बार अमरीश भाई की बात। Just shut up, Natasha. तुम एक ऐसे इंसान की वकालत कर रही हो जिसने पहली बार में तुम्हें धोखा दिया है। किस हक से मौका मांग रही हो अमरीश भाई के लिए, जब तुम इस रिश्ते को एक भी मौका नहीं दे रही हो।